जे के न्यूज पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दूं कि जम्मू से 3 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, 2 जम्मू से और 1 उधमपुर से नया पॉजिटिव केस सामने आया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड विनोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जिस तरह से कल 2 नए पॉजिटिव केसेस आए गुड़ा बख्शीनगर और मेरा साहिब में, और उसके बाद वहां पर सैंपलिंग ली गई उनके परिवार वालों की, तो क्या ये नए 3 पॉजिटिव केसेस उसी से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बेसिकली जो बूढ़ा दक्षिण में पहला केस आया था महिला का, और जी उसके हस्बैंड और उसका बेटा पॉजिटिव आया है, और उसके अलावा एक पंचायत से लड़का है जिसकी एज 27 साल है, वो भी पॉजिटिव आया है। इनकी ट्रेवल इंस्पेक्शन ने पहले बताया कि ये ट्रक चलाते थे, ऑनर होंगे ट्रक के, लेकिन ट्रक चलाते चलाते कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं मिले, उसकी वजह से ये जब ट्रैवल हिस्ट्री आप हाइड करोगे, मैं बार बार यही कहता हूँ, जब आप जी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाओगे तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब 3 नए मामले आ गए हैं इस पंचायत से, और 2 जम्मू गुड़ा बख्शीनगर जो हॉट ऑफ द सिटी माना जाता है। जी विनोद जी, ये तो साफ हो गया कि ट्रक ड्राइवर की जो वाइफ है वो पॉजिटिव आई और उसके बाद उनका बेटा भी पॉजिटिव आया। तो वहीं दूसरी ओर उधमपुर के पंचायरी की बात करें तो वहां पे क्या रिलेशन था पिछले पॉजिटिव केस का? ये प्रियंका, मुझे लगता है कि ये कहीं ना ये भी बाहर से आए हुए हैं, जी जैसे अभी रिसेंटली जो बाहर गए हुए मजदूर हैं कि या स्टूडेंट हैं, वो जो बाहर से आते हैं, या फिर किसी के साथ ड्राइवर के साथ क्लीनर की साथ इस तरह काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसा ही मामला है। अभी तक सारी चीजें कंफर्म नहीं हुई, लेकिन बुरा वाली तो हमने पहले भी आपको बता दिया जी था, बिल्कुल अपने दर्शकों को बताया था, अपने व्यूअर्स को बताया था कि ये ड्राइवर था, अपनी गाड़ी खुद चलाता है, ड्राइवर इसकी अलग से थी, और उसकी वजह से ये संक्रमित हो गया। और अब ये जो पंचायत से मामला आया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन कौन साथ ये मिला है, कौन इसके क्लोज कंटेक्ट में आया है, और क्या क्या इसके रिलेशन में है, इसके रिलेशन वालों ने किसी इसके साथ बातचीत किया, किसी ने हाथ मिलाया है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व की जा रही है। जी बिल्कुल विनोद जी, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू का ऑल ओवर सिनेरियो पूरा सूरते हाल मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी भी एहतियातन बरतने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे केसेस आए, रिकवर भी हो गए, पर आंकड़े और ना बढ़े उसके लिए आपका क्या मैसेज हमारे दर्शकों के लिए रहेगा? प्रियंका, हम ना इवन 6 तक पहुंच गए, हमारे पास पूरे जम्मू प्रोविंस में 6 ही केसेस हुए, जी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय। ये बढ़ने का कारण मैं प्रियंका आपको बता दूं, जो बाहर हमारी लेबर फोर्स गई हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है वापस, और जी दूसरा जो स्टूडेंट बाहर गए वो भी आ रहे हैं, आने के बाद उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, जब टेस्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि उससे दूसरा कुछ बाहर नहीं आता, मुझे लगता है कि यही एक कारण। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी जगह से आए, कहीं से भी आए, अपनी पूरी रिपोर्ट लखनपुर में भी दें और अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी दें, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बचाएंगे तो आपके परिवार की लाइफ भी बचेगी, और पूरे पूरे माशरे की, पूरी सोसाइटी की लाइफ बचेगी, और आपका ये कंट्रीब्यूशन होगा देश के लिए। आप देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको गन लेके बॉर्डर पे ही खड़ा करना है। इस वक्त जो वायरस आया है ये बड़ा अहम वायरस है, इससे कहीं ना कहीं बचने के लिए कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि आपको अपनी जान बचानी है, अपनी जान बचा के आप देश का भला कीजिए, ये प्रयास। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे चैनल हेड विनोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, और बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि अपना ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, ना खुद की जान को जोखिम में डालें और ना ही दूसरों की जान को जोखिम में डालें, क्योंकि शुरू से ही हमारी ये अपील है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को ना छुपाएं। उधमपुर से जो एक नया पॉजिटिव केस आया है पंचारी से बताया जा रहा है, क्या कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे रिपोर्टर है उधमपुर में मौजूद, डायरेक्टली क्या इन्फॉर्मेशन देंगे आप तक जरूर पहुंचा आएंगे। वहीं लगातार जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले हम बोल रहे थे जम्मू में कोई भी नहीं बचा, कोविड-19 फ्री हो गया हुआ है, तो लगातार लगातार आप सभी को ये समझने की जरूरत है कि एहतियातन बरतने की जरूरत है, और जितना ज्यादा प्रिकॉशंस है उतना ज्यादा लें, घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन को फॉलो करें। शुरू से ही हर कोई यही मैसेज दे रहा है, पर जो जब तक हम उधमपुर के संवाददाता से कॉन्टैक्ट करेंगे, राबता करेंगे, तब तक हमें कमेंट्स
गेस्ट ले लेती हूँ जो जो व्यूअर्स हमारे साथ इस टाइम लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद इकबाल हैं और साथ ही मोहम्मद शफी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शुभांशी शर्मा हमारे साथ है जो बोल रहे हैं, रिपीट करिए कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ में आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है। जम्मू से दो नए पॉजिटिव केसेस और एक उधमपुर से नया पॉजिटिव केस सामने आया है। कुल नए तीन पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जम्मू में जो गुड़ा बख्शी नगर में एक ट्रक ड्राइवर की वाइफ पॉजिटिव कल पाई गई, वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर और उनका बेटा भी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर उधमपुर के पंचैरी से भी नया पॉजिटिव केस सामने आया है। और कल उधमपुर में जो रामनगर तहसील का मजोरी गांव था वहां से केस पॉजिटिव आया था। और आपको बता दूं वो एक श्रमिक था जो कि लुधियाना में मजदूरी करता था। और जब सरकार के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया कि सभी माइग्रेंट लेबर्स को वापस लाया जा रहा है, उसी के तहत वो भी जम्मू पहुंचा था, उधमपुर पहुंचा था। उसके बाद जब उसको क्वारंटाइन किया गया, सिम्टम्स डिवेलप हुए, उसका टेस्ट लिया गया, पता चला कि वो पॉजिटिव है। पर राहत की बात यह है कि जो उसके साथ पांच और लोग थे वो कॉन्टैक्ट में जो भी उसके थे उन सबके सब नेगेटिव आए हैं। तो वो पांच सैंपल्स जो लिए गए थे उसके साथ जो कॉन्टैक्ट में थे वो नेगेटिव आए हैं, एक राहत की बात है। हालांकि थोड़े दिनों बाद फिर से टेस्ट लिया जाएगा। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उधमपुर तक आपकी सारी डायरेक्ट किया गया है। जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि यहां पर एक बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, लगातार टेस्टिंग भी हो रही है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखा जाए, जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं तो आप सोचिए कि उसके अकॉर्डिंगली कितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग लगातार जारी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर टेस्टिंग करेंगे तभी जो आगे आने वाले कॉन्टैक्ट्स है उसे दूर कर पाएंगे कि कोई भी पॉजिटिव केस के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए, उसको दूर करने के लिए वो जरूरी है। पर यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू से दो नए पॉजिटिव केस और उधमपुर से एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है जो कि पंचैरी से है। सीधा रुख करेंगे उधमपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सुमित, इस वक्त की बड़ी खबर दो जम्मू से नए केस और एक उधमपुर से, और बताया जा रहा है कि पंचैरी से ये केस आया है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? तो सुमित से हमारा संपर्क टूट चुका है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की और सारी डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं मैं कमेंट्स ले लेती हूं जब तक सुमित से हमारा रापता होता है। तो मैं आपको बता दूं, शुभांशी शर्मा हमारे साथ है, मोहम्मद शफी, जावेद इकबाल है, जहांगीर अहमद उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं, डायन मुश्ताक है, जावेद इकबाल है जो लिख रहे हैं कि जम्मू में टोटल कितने पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो आपको बता दूं, दो नए पॉजिटिव केसेस कल रात को सामने आए थे और अभी खबर सामने आ रही है कि तीन नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। दो प्रॉपर जम्मू से, गुड़ा बख्शी नगर से, वहीं एक उधमपुर पंचारी से। और मुजम्मिल हमारे साथ गुड इवनिंग लिख रहे हैं, जुड़ चुके हैं। और मुजम्मिल के साथ कफायत अली हैं, संजीव गंडोत्रा हैं, मुजम्मिल हैं। तो सुमित से हम रापता करेंगे, जानेंगे क्या पूरा इंफॉर्मेशन है। सीधा रुख करेंगे उधमपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, खबर सामने आ रही है कि दो केस नए जम्मू से आए हैं, एक उधमपुर के पंचारी से आया है, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जो केस सामने निकल के आ रहा है कोविड-19 पॉजिटिव का, सबसे सर्वप्रथम ये जानकारी के लिए बता दूं ये रेजिडेंट उधमपुर का रहने वाला है, पंचैरी इसकी रिहायश है, जी। लेकिन ये जम्मू में ही कार्यकर्ता था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे जम्मू में ही क्वारंटाइन किया गया था, इसके टेस्ट भी जम्मू में ही लिए गए हैं। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि इसे उधमपुर में रखा जाएगा या इसे जम्मू में रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह से हमारी जी अभी आधिकारिक पुष्टि जो हुई है वो ये बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो 27 या 26 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, ये व्यक्ति जम्मू में ट्रक चलाता था, एक ट्रक चालक है, वाहन चलाता है, ट्रक चालक होने के साथ साथ जम्मू में ही ये कार्य करता है और उधमपुर के पंचायरी से काफी देर पहले ये जम्मू में कार्य करने जा चुका था। तो जम्मू में ही शायद किसी कंटेक्ट के पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव के कंटेक्ट में आ रहे थे, शायद ये पॉजिटिव हुआ होगा, लेकिन जम्मू में ही इसे किया गया था, जम्मू में ही इसकी सैंपलिंग हुई है और जम्मू में ही इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जी बिल्कुल सुमित, अगर अगर हम बात करें, कल जो एक नया पॉजिटिव केस उधमपुर से सामने आया था, जो आपने बताया था कि मजदूर है, लुधियाना में काम करता था, यहाँ वापस लाया गया, क्वारंटाइन किया गया, उसके बाद पॉजिटिव पाया गया, तो उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट्स की क्या सैंपलिंग की गई, क्या अभी तक उनकी कुछ पता चल पाया है, कुछ जानकारी कितने लोगों के साथ वो कॉन्टैक्ट में आया था या कुछ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पांच व्यक्तियों के साथ वो कांटेक्ट में था, उन पांचों की जो सैंपलिंग के साथ आई है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से
यहाँ पे कोताही नहीं बरतना चाहता। प्रशासन सतर्क है, सावधानी के साथ उन व्यक्तियों को फिर वहाँ क्वारंटाइन नहीं रखा गया है। अभी कुछ और दिन क्वारंटाइन करने के बाद उसकी सैंपलिंग फिर की जाएगी उन पांचों कॉन्टेक्ट की, उन्हें फिर टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट का प्रशासन इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो सीधा उधमपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित जुड़ चुके थे, जो एक जो केस है वो उधमपुर के पंचायती से सामने आया है, पर जम्मू में ही टेस्टिंग हुई, जम्मू में ही पॉजिटिव पाया गया। और अभी सामने खबर सामने ये आ रही है कि वो एक ट्रक ड्राइवर था। और वहीं दूसरी ओर इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे थे कि दो केसेस जम्मू से और एक केस उधमपुर से सामने आया है। और आपको बता दें, कल जो बुढ़ा बख्शी नगर से पॉजिटिव केस सामने आया था, उनका जो बेटा है वो भी पॉजिटिव पाया गया है, और जो ट्रक ड्राइवर की वाइफ है वो भी कल पॉजिटिव पाई गई थी। तो कुल मिला के इस वक्त की बड़ी खबर से जेके न्यूज पॉइंट आपको रूबरू करवा रहा था। और ज्यादा से ज्यादा मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। संजीव गंडोत्रा है हमारे साथ कैपर।